हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। क्या पढ़ेंगे इस लाइसोसोम के बारे में? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम। किसने डिस्कवर किया देखेंगे हम। अक्रेंस, किस तरह के ये सेल में पाया जाता है लाइसोसोम, हम ये भी देखेंगे। स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, हम ये भी देखेंगे। फॉर्मेशन, कहाँ से बनता है ये लाइसोसोम, कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सिक्रेशन, अबाउट 50 काइंड्स ऑफ हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय द लाइसोसोम। लगभग 50 तरह के हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम, एसिडिक डाइजेस्टिव एंजाइम इस लाइसोसोम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, 50 तरह के। और किस मीडियम में एक्ट करते हैं वो, इसके लाइसोसोम के जो एंजाइम है, ये लाइसोसोम को ही क्यों डाइजेस्ट नहीं करते, इसके सेल मेम्ब्रेन को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देते। जिस सेल में ये लाइसोसोम होता है, सपोज दैट अगर लाइसोसोम से एंजाइम स्कैप हो जाए, बच के निकल जाए, तो सेल को डाइजेस्ट कर देता है, कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, देखेंगे कारण हम ये भी। सिक्रेशन जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर कोई एंजाइम लाइसोसोम से स्कैप हो जाता है, बच जाता है, तो वो सेल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो सेल को डाइजेस्ट नहीं करेगा। क्यों, कारण है उसका, वो भी देखेंगे हम। देन फंक्शन देखेंगे हम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सो स्टार्ट करते हैं हम लाइसोसोम को। पहले देखते हैं क्या, डिस्कवरी देख लेते हैं, किसने डिस्कवर किया। तो डीडुए ने डिस्कवर किया इसे 1955 में। डीडुए ने, इट इज डिस्कवर्ड बाई डी डुवे 19, कब, इन 1955, 1955 में इसे डी डुवे ने डिस्कवर किया लाइसोसोम को। इसके लिए ही वॉज अवॉर्डेड बाई द नोबल प्राइज, इसके लिए इन्हें नोबल प्राइज दिया गया था। किसको, डी डुवे को। डी डुवे की, इसके लिए इनकी डिस्कवरी के लिए, इस लाइसोसोम की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अक्रेंस की बात करें तो, अगर अक्रेंस की हम बात करेंगे तो ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और प्रोटोजोवन में भी तुम्हें दिखाई देगा, कुछ फंजाई में तुम्हें दिखाई देगा, जैसे न्यूरोस्पोरा। इट इज कहां फाउंड, कहां दिखाई देगा, इट इज फाउंड इन वनली एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में दिखाई देगा, एनिमल सेल में आपको दिखाई देगा। और कहां दिखाई देगा, और मैंने बताया प्रोटोजोवन में भी दिखाई देगा आपको। प्रोटोजोवन आर आल्सो यूकैरियोटिक, प्रोटोजोवन में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, ये सब किसमें आते हैं, प्रोटोजोवन में आते हैं, और भी सारे प्रोटोजोवन हैं। और कहां आपको दिखाई देगा, इन सम फंजाई, कुछ फंजाई में भी आपको ये देखने को मिलेगा, इन सम फंजाई, जैसे सबसे पहले न्यूरोस्पोरा में देखा गया था, जैसे न्यूरोस्पोरा, तो इनमें ये पाया जाता है। जनरली प्लांट में ये एब्सेंट होता है, फंजाई आर आल्सो प्लांट, मैंने लेकिन कहा कुछ फंजाई में, सारे फंजाई में नहीं, सारे प्लांट में, ये भी प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, प्लांट के ग्रुप में आते हैं फंजाई, तो मैंने कहा जनरली प्लांट में क्या होता है, एब्सेंट होता है ये, इट इज एब्सेंट इन प्लांट से, लेकिन कुछ फंजाई में आपको देखने को मिलेगा, जैसे न्यूरोस्पोरा में से देखा गया। अगली बात क्या बात करेंगे हम, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम इज अ स्फेरिकल, ये आपको स्फेरिकल दिखेगा, स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, कैसा है, स्फेरिकल है, गोला दिखेगा आपको, स्फेरिकल दिखेगा। और याद करो मैंने आपको क्या क्या बताया था, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से बताए थे मैंने, मैंने आपको बता रखा था लाइसोसोम भी है, वैक्यूल भी है, गोल्गी बॉडी भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं दे ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल।
ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। फॉर्मेशन की बात करेंगे, अब देखते हैं कि फॉर्मेशन कहां से होता है इसका। इतनी बात क्लियर हुई, क्या बताया अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई हमारी। अभी तो हमारी सिर्फ इतनी बात हुई कि इसे डी डूवे ने डिस्कवर किया। लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डी डूवे इन 1955 एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। नेक्स्ट, इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, इट इज ऑल्सो फाउंड इन प्रोटोजोअन एंड इन सम फंजाई सच एज न्यूरोस्पोरा, जनरली इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। सेप की बात करोगे, स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये स्फेरिकल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो कभी अगर एग्जाम में आए तो आपको ये बताना है, उसमें तो दिया रहता है लाइसोसोम इज फाउंड, ऑप्शन दिया रहेगा आपको इन एनिमल सेल, इन प्लांट, है ना, इन फंजाई, तो आपको क्या बताना है इन एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल में पाया जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल है कि कुछ फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, तो वो अलग चीज है ना, हम वो एक्सेप्शन में ले लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मेशन की बात करेंगे, कैसे बनता है ये देखते हैं, कैसे बनेगा ये। फॉर्मेशन देखते हैं हम कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद करो मैंने आपको बताया था ये गॉल्गी बॉडी, दिस इज द गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, सपोज दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से प्रोटीन और लिपिड वेसिकल्स में पैक होकर, सपोज दैट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। हमने आपको याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि एक the one end of endoplasmic reticulum is attached with the outer membrane of nucleus ya outer nuclear envelope and another end is attached with the cell membrane, aur dusra jo end hota hai wo cell membrane se juda rehta hai। golgi body endoplasmic reticulum ka main function jo kya tha, humne bataya tha ki ye protein aur lipid ka synthesis karta hai, rer protein ka synthesis karta hai aur SER लिपिड का सिंथेसिस करता है। RER क्या मैंने बताया था, दैट पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो भाग जिसकी सरफेस पे राइबोसोम होता है उसे हम RER कहते हैं। जैसे देखो ये मैंने डॉट से दिखाया है, ये डॉट से मैंने राइबोसोम को रिप्रेजेंट किया, तो RER और दैट पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डू नॉट कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब नाम से क्लियर है स्मूथ है, क्यों स्मूथ है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, मतलब राइबोसोम नहीं है तो चिकना है, राइबोसोम होता तो सरफेस रफ होता तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरिया देयरफॉर इट्स सरफेस विल बी रफ। इसका सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। लेकिन काम दोनों के अलग अलग है, आरईआर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, एसईआर लिपिड का सिंथेसिस करेगा। अब ये आरईआर प्रोटीन का सिंथेसिस करके और एसईआर लिपिड का सिंथेसिस करेगा, सैक्स में पैक करेगा, छोटे छोटे थैलियों में, छोटे छोटे सैक में पैक करेगा और उसे ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये देखो ये सैक में इसे पैक कर रहा है, यहां से ये निकल रही है सैक, और ये सैक जाकर इससे फ्यूज कर जाएंगी, किसके साथ, अरे गॉल्गी बॉडी के साथ फ्यूज कर जाएंगी। ठीक, फ्यूज कर गई। अब यहां पे इसमें प्रोटीन लिपिड भरा हुआ है, मटेरियल इसमें पैक है। नाउ गॉल्गी बॉडी मॉडिफाई दैट प्रोटीन एंड लिपिड, अब गॉल्गी बॉडी उस प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करेगा और उसे फिर सैक्स में पैक करेगा।
किस सैक में? सेक्रेटरी वेसिकल्स में। जिस सैक में ये पैक करेगा इसे क्या किया? मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करेगा, ये मैंने लिख दिया, मॉडिफाई करेगा कौन? गॉल्गी बॉडी। और फिर इसे पैक करेगा किस में? सेक्रेटरी वेसिकल्स में। और फिर ये सेक्रेटरी वेसिकल्स यहां से निकलना शुरू करेंगे। खूब ध्यान से देखना, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स निकल रही है। सेक्रेटरी क्यों कहा? क्योंकि ये सेक्रेट कर रहा है, सेक्रेटरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है, सेक्रेटरी वेसिकल्स जो गॉल्गी बॉडी सेक्रेट कर रहा है। अब ये जो सैक गॉल्गी बॉडी निकाल रहा है, इसमें से कुछ सैक, इसमें से कुछ वेसिकल्स लाइसोसोम में बदल जाएंगे, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है। याद रखना, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है वो बन कहां रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है, आरईआर में बन रहा है। क्योंकि एंजाइम बनने के लिए तो प्रोटीन जरूरी है, और प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पे हो रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है आरईआर में। इसका मतलब है ये सिक्रेटरी वेसिकल्स, सम ऑफ द वेसिकल्स विच आर सिक्रेटेड, विच आर रिलीज्ड बाय द गॉल्गी बॉडी, चेंज इनटू वैक्यूल एंड सम ऑफ देम चेंज इनटू लाइसोसोम। गॉल्गी बॉडी से जितने वेसिकल्स निकल रहे हैं उनमें से कुछ बदल जाएंगे लाइसोसोम में, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होगा वो बदल जाएगा लाइसोसोम, वो लाइसोसोम कहलाएगा। और जिसमें फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा वो बदल जाएगा किसमें? वैक्यूल में बदल जाएगा, और कुछ लाइसोसोम में जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होगी। तो अभी सिर्फ इतनी बात हुई, जो वेसिकल्स गॉल्गी बॉडी से निकलता है उसमें से कुछ लाइसोसोम में बदल जाएगा, वो वेसिकल जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट विल टर्न इनटू लाइसोसोम, एंड द वेसिकल्स विच आर सिक्रेटेड बाय द गॉल्गी बॉडी एंड कंटेन फूड मटेरियल दैट विल चेंज इनटू द वैक्यूल, वो वैक्यूल में बदल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहां से ये पता चला कि इसका फॉर्मेशन गॉल्गी बॉडी से होता है। नोट करें, लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय गॉल्गी बॉडी। दूसरे क्या कंक्लूजन निकला? दूसरी चीज यहां से यह पता चली कि इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द आरईआर। कहां पे वो जो एंजाइम इसमें प्रेजेंट था वो बनता कहां पे है? आरईआर में बनता है। ये भी बात आप याद रखोगे, द एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन तो आरईआर में बनता है ना, और प्रोटीन से ही तो एंजाइम बनता है। तो द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय कहां पे? आरईआर, या आप कह ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो चीजें यहां से हमें पता चली, लाइसोसोम का फॉर्मेशन गॉल्गी बॉडी से होता है, जो एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा बनाऊं तो ऐसा आपको ये दिखेगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, ये एंजाइम इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, गोला स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब आपको ये इस तरह कुछ दिखाई देगा, सिंगल एक लेयर, एक कवरिंग हमने दिखाई है। क्यों? क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन तो होता ही है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कहां से ये बन रहा है? गॉल्गी बॉडी से बन रहा है। इसमें ये जो एंजाइम प्रेजेंट है, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द आरईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सिंथेसाइज्ड होता है। लगभग 50 तरह के एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप नोट करोगे, अबाउट, लगभग कितने? अबाउट 50 काइंड्स ऑफ, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक एसिडिक डाइजेस्टिव एंजाइम,
हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोजोम में? लगभग 50 तरह के हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यहां पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है क्या? चलो कोई नहीं, आगे आप नोट करोगे। ये तो दिख रहा है, विजिबल है ये, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम, एसिडिक डाइजेस्टिव एंजाइम, एसिडिक डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट है। लाइसोजोम में लगभग 50 तरह के एसिडिक हाइड्रोलिटिक एसिडिक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अगला, अब ये जो एंजाइम है, अब इनकी एंजाइम की बात हुई तो थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं लाइसोजोमल एंजाइम के बारे में। लाइसोजोम में प्रेजेंट एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करते हैं, एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करते हैं, एसिडिक मीडियम में ही वर्क करेंगे। और लाइसोजोम के अंदर जो पीएच होता है, दैट इज द 5 एसिडिक पीएच होता है। ये भी बात आप याद रखोगे। लाइसोजोम के अंदर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है नीट वगैरह में, आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ लाइसोजोम, लाइसोजोम का पीएच कितना होता है। तो लाइसोजोम के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर पीएच आपको 5 दिखेगा, एसिडिक पीएच होता है। तो द पीएच ऑफ लाइसोजोम इज एसिडिक, दैट इज 5। कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, एंजाइम के बारे में बात हो रही थी हमारी, क्या बताया मैंने, लाइसोजोमल एंजाइम, लाइसोजोम के जो एंजाइम होते हैं एक्ट इन एसिडिक मीडियम। बड़ा अच्छा यहां पे एक बात पता चलेगी, ठीक है, देखेंगे अभी। लाइसोजोमल एंजाइम एक्ट इन एसिडिक पीएच, दैट इज कितने पे? 5 पीएच पे ये एक्ट करती हैं। इसका मतलब है कि लाइसोजोम का जो पीएच होता है, द पीएच इनसाइड द लाइसोजोम इज 5। पीएच इनसाइड द लाइसोजोम इज 5। 5 पीएच होता है लाइसोजोम के अंदर। और लाइसोजोमल एंजाइम वर्क बेस्ट एट एसिडिक पीएच, बहुत अच्छा ये वर्क करती हैं, किस पे? एसिडिक पीएच पे। अब ये इनका एसिडिक पीएच में वर्क करना हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है, जिस सेल में रहती है उस सेल के लिए बेनिफिशियल है। पूछोगे कैसे, देख लेते हैं। सेल का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, अबाउट 7 होगा। सेल है, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, और ये अपना लाइसोजोम। एक सेल में बहुत सारे लाइसोजोम होते हैं, मैं सिर्फ लाइसोजोम दिखा रहा, देखिए एक सेल में बहुत सारे लाइसोजोम हैं। अब यहां से कई बात पता चलेगी। हमने कहा लाइसोजोम के एंजाइम एसिडिक पीएच में ही बेस्ट वर्क करते हैं। अगर कोई एंजाइम लाइसोजोम से एस्केप हो गया, बच के निकल आया, मान लो कि ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, मान लेते हैं ये एक एंजाइम है, है ना, ये एक एंजाइम है और ये निकलने की कोशिश कर रहा है, बच गया, बड़ा खुश है, निकल आया, एस्केप हो आया। ये देखो और खुश हो गया, एस्केप हो आया, निकल आया कहां से? अरे ये निकल आया कहां से? लाइसोजोम से निकल आया, ये लाइसोजोम है। अब जब एस्केप हो आया, निकल आया तो बहुत खुश है, देखो हंस रहा है, निकल आया।
लेकिन अब ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा? क्योंकि मैंने कहा लाइसोजोम के बाहर साइटोप्लाज्म का जो पीएच है, ये जो बाहर साइटोप्लाज्म है ना, इसका पीएच कितना होता है? लगभग 7 होता है, न्यूट्रल होता है। और ये तो अब तो ये एसिडिक पीएच में ही वर्क करेगा, तो ये बताओ क्या ये 7 पीएच पे, न्यूट्रल पीएच पे वर्क करेगा? अरे कोई काम नहीं है अब इसका, ये कोई वर्क नहीं कर पाएगा, डाइजेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोजोम दे वर्क एट एसिडिक पीएच, दे वर्क बेस्ट एट एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच पे बेस्ट वर्क करते हैं। तो सेल जैसे ही लाइसोजोम से ये एस्केप होकर बाहर निकल आया, पीएच न्यूट्रल है, सो नाउ इट विल नॉट डाइजेस्ट, अब ये डाइजेशन नहीं कर पाएगा, अब ये डाइजेस्ट नहीं करेगा। So, इसका मतलब है द पीएच ऑफ लाइसोजोम इज एसिडिक एंड लाइसोजोमल एंजाइम एक्ट ऑन एसिडिक पीएच, दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाइजेशन एट द टाइम ऑफ या व्हेन एनी एंजाइम एस्केप फ्रॉम द लाइसोजोम। लाइसोजोमल एंजाइम का एसिडिक मीडियम में वर्क करना, फंक्शन करना एक रिस्क रिड्यूस कर देता है, मतलब एक रिस्क को रिड्यूस कर देता है, एक खतरा है उसे टाल देता है। टालता क्या है? वो ये टालता है कि अगर मान लो कोई लाइसोजोमल एंजाइम बचकर निकल आता है तो वो सेल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, सेल के किसी भी कॉन्टेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है और लाइसोजोम के बाहर साइटोप्लाज्म का पीएच तो न्यूट्रल है। तो एक बात यहां से ये पता चल गई। अच्छा ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। दूसरा सवाल, आप यहां से क्या कर सकते हो? द पीएच इनसाइड द लाइसोजोम इज 5 which reduce the risk of digestion of cell content when lysosomal enzyme escape from lysosome। तो अगली बात, वही बात मैंने बताया कि अगर कोई लाइसोजोम से एंजाइम एस्केप होकर बाहर निकल आता है, बचकर निकल आता है, तो एक खतरा टल जाता है कि एंजाइम सेल के किसी कंटेंट को डाइजेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो लाइसोजोम है वो तो सिर्फ एसिडिक पीएच पे बेस्ट वर्क करता है, एसिडिक मीडियम में ही डाइजेशन कर सकता है, बाकी किसी भी मीडियम में, ना तो न्यूट्रल मीडियम में ना तो बेसिक मीडियम में डाइजेशन नहीं कर सकता। अच्छा अब सवाल ये दूसरा ये कि व्हाई लाइसोजोमल एंजाइम डू नॉट डाइजेस्ट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोजोम। सवाल है ना? बिल्कुल सवाल है। ये सेल है और ये लाइसोजोम है। अब ये एंजाइम से भरा हुआ है, लगभग 50 तरह के एंजाइम है। तो भाई अब जब इतने एंजाइम इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये लाइसोजोम के एंजाइम को, सेल मेम्ब्रेन को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देता? भाई ये एंजाइम इसके सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोजोम इज रेजिस्टेंट टू द लाइसोजोमल एंजाइम, क्योंकि इसके जो लाइसोजोम का जो सेल मेम्ब्रेन है ना, द सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोजोम, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोजोम इज रेजिस्टेंट टू द लाइसोजोमल एंजाइम।
लाइजोसोमल एंजाइम के लिए लाइजोसोम का सेल मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस है, दे कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोमल एंजाइम सेल मेम्ब्रेन के लाइजोसोम के सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, दे कैन नॉट डाइजेस्ट दैट सेल मेम्ब्रेन। अब सिक्रेशन की बात करेंगे, फॉर्मेशन हो गया, नाउ सिक्रेशन की हम बात करते हैं, क्या सिक्रेट करता है? मैंने कहा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है लगभग 50 तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम, 50 काइंड्स ऑफ हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन लाइजोसोम। 50 तरह के लाइजोसोम लाइजोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, 50 तरह के एंजाइम इसमें होते हैं। सिक्रेशन की बात करें, इट कंटेन अबाउट 50 काइंड्स ऑफ एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो 50 तरह के तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट होते हैं हम वो आपको बताते हैं। जैसे पहला लाइपेज, ये भी प्रेजेंट होता है, ये लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है, फैट एंड लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, ये स्टार्च या शुगर को डाइजेस्ट करेगा। तीसरा प्रोटीएज, प्रोटीएज में कैथेप्सिन, ये एंजाइम होता है कैथेप्सिन, ये क्या करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट और क्या, और भी बहुत सारे एंजाइम है इसमें, जैसे राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज, नेक्स्ट डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियस, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियस, और क्या है, और आपको फॉस्फेटेज, और क्या, अरे और भी दिखाई देगा आपको, सल्फेटेज। परेशान ना हो, कौन किसको डाइजेस्ट करेगा अभी मैं लिख देता हूं सब। सल्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डिऑक्सीराइबोज, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, ये क्या करेगा, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। ये फॉस्फेटेज, और ये फॉस्फेट एस्टर को डाइजेस्ट करेगा, फॉस्फेट एस्टर को डाइजेस्ट करेगा। ये किसको डाइजेस्ट करेगा, सल्फेट एस्टर को, सल्फेट एस्टर को ये डाइजेस्ट करेगा। और क्या, और एक एंजाइम है वो भी मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट यहां ऊपर लिख देता मैं ग्लाइकोसाइडेज, ये क्या करेगा, ये पॉलीसेकेराइड, पॉली यहां मैं लिख दे रहा, ये पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोसाइड को डाइजेस्ट करेगा, किसको, पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोसाइड को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा लगभग 50 तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम आपको बता दिए। क्या मैंने बताया, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, शुगर को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीज प्रोटीन, प्रोटीज में
कैथेप्सिन प्रोटीज एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। राइबोन्यूक्लियस राइबोन्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। फॉस्फेटेज फॉस्फेट एस्टर को डाइजेस्ट करेगा। सल्फेटेज सल्फेट एस्टर को डाइजेस्ट करेगा। ग्लाइकोसाइडेज पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोसाइड को डाइजेस्ट करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो सिक्रेशन है। अब आते हैं फंक्शन पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की बात करते हैं, बहुत फंक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। देखते हैं क्या क्या फंक्शन है इसका। अरे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल सुना होगा, है ना? नहीं सुना, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कोशिका के मृतक झिल्ली, जिस सेल में रहता है उसी सेल को यह मार डालता है। इसीलिए तो कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, अपने ही सेल को मार डालता है, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन कब? जब सेल ओल्ड वर्न आउट हो जाता है, या इंफेक्शन हो जाता है उसमें, या डैमेज हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, अपने ही सेल को, मतलब ये लाइसोसोम बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। एक लाइसोसोम फटने से नहीं होगा, क्योंकि अगर एक लाइसोसोम फटेगा तो पूरे सेल का पीएच 5 थोड़ी ना हो जाएगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई कि लाइसोसोम में प्रेजेंट एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करेंगे, तो एक लाइसोसोम फटने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लाइसोसोम फट जाते हैं तो पूरे साइटोप्लाज्म का जो पीएच है दैट विल बी अबाउट 5, उसका साइटोप्लाज्म का जो पीएच है 5 हो जाएगा। अब लाइसोसोमल एंजाइम एक्ट करना शुरू करेंगे, डाइजेशन करना शुरू करेंगे और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। तो फंक्शन की बात करते हैं। पहला फंक्शन, लाइसोसोम एक्ट एज अ हेटरोफेजी, एक्ट एज, खूब ध्यान से समझना, हेटरोफेजी वेसिकल्स या सैक कह लो आप, ये एक हेटरोफेजी वेसिकल या सैक की तरह एक्ट करता है। हेटरो का मतलब डिफरेंट है, फेजी का मतलब है इनगल्फ, खाना। हेटरो का मतलब डिफरेंट, फेजी का मतलब खाना, मतलब लाइसोसोम का किसी फॉरेन मटेरियल को, तब डिफरेंट हुआ ना, सेल के अंदर के मटेरियल को नहीं, सेल के बाहर के मटेरियल को, डिफरेंट मटेरियल को, फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ करना, दैट इज कॉल्ड हेटरोफेजी। फिर से सुनना, सपोज दैट ये आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल, जैसे हमारे मैक्रोफेज, हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, मैक्रोफेज न्यूट्रोफेज, ये क्या करते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता है तो ये उसका पीछा करते हैं और क्या करेंगे, पकड़ेंगे, फैगोसाइटोसिस द्वारा उसे इनगल्फ कर लेंगे। देखते हैं, एक्ट एज अ हेटरोफेजी वेसिकल्स, क्यों, बिकॉज इट डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल, लिख लेना, क्यों हमने कहा, बिकॉज इट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल सच एज, जैसे जैसे माइक्रोब को, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर फूड मटेरियल, कोई अगर बाहर से फूड मटेरियल भी आता है तो ये उसे भी डाइजेस्ट करता है। एग्जाम्पल, इन जैसे आपको ये देखने को मिलेगा मैक्रोफेज में एंड इन न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स में आपको देखने को मिलेगा। मैक्रोफेज कैन मूव, मैक्रोफेज क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, बाकी कोई भी सेल, अच्छा स्पर्म भी मूव कर सकता है, तो आप क्या क्या बताओगे, मैक्रोफेज आरबीसी नहीं मूव करता, वो तो बहता है ब्लड में, लेकिन मैक्रोफेज वो क्या करता है, मूव कर सकता है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, याद रखोगे। अब ये मैक्रोफेज है,
जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है या एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब सपोज दैट ये बैक्टीरिया आ गया, माइक्रोब आ गया या कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया, ये मैक्रोफेज है, तो क्या करेगा? नाउ दिस मैक्रोफेज इनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा इसे इंगल्फ कर लेगा। ये देखो कुछ ऐसा, एक ऐसा बनाएगा और कुछ इस तरह इसको अंदर लेना शुरू करेगा। अब तो इसको इंगल्फ ही कर लेगा, ये देखो अब इसको एक वेसिकल्स में बंद कर दिया, एक वैक्यूल में इसे, एक वेसिकल्स में इसे, एक सैक में इसे बंद कर दिया, इंगल्फ। इसको क्या किया, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये इंगल्फ कर लेगा। मैक्रोफेज इंगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस इन अ सैक कॉल्ड फैगोजोम। उसे क्या कहेंगे, फैगोजोम कहेंगे। अब देखना, लाइसोजोम तो इसके अंदर है ही, ये लाइसोजोम है, ये तो लाइसोजोम ये इसके अंदर है ही, मैं ये लिख दिया लाइसोजोम, ये लाइसोजोम। अब ये लाइसोजोम है, होगा क्या, नाउ फैगोजोम फ्यूज विद द लाइसोजोम। अब ये फैगोजोम क्या करेगा, फैगोजोम लाइसोजोम से फ्यूज कर जाएगा, और ये भाई साहब अब तो बैक्टीरिया की खैर नहीं, अब तो इस बैक्टीरिया की ये देखो जो एंजाइम फ्यूज कर गया, जो भी एंजाइम इसमें प्रेजेंट थे, दे विल एक्ट ऑन द फैगोजोम, एक्ट करेंगे, अटैक करेंगे इस पर और इस बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। सो यहां पर ये मैक्रोफेज क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर देगा। मैक्रोफेज का लाइसोजोम क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। अच्छा, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया, इट एक्ट एज अ हेटरोफेजी वेसिकल्स या सैक। ये हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और फैजी का मतलब होता है इनगल्फ करना, इनगल्फ करना मतलब किसी ऐसे मटेरियल को इनगल्फ करना जो सेल के बाहर का हो, उस मटेरियल को इनगल्फ करना, दैट इज द हेट्रोफेजी। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सेल के बाहर के मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है, इसलिए हेट्रोफेजी वेसिकल किस तरह एक्ट कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, बचा रहा है, इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से हमें बचाता है। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है, ऑटोफेजी वेसिकल्स की तरह भी ये एक्ट करता है, खूब ध्यान से समझना, एक्ट एज ऑटोफेजी वेसिकल्स और सैक, ये ऑटोफेजी वेसिकल या सैक की तरह एक्ट करता है। अब ये ऑटोफेजी का मतलब क्या, वही बात हो गई, अपने ही सेल को खा जाना, दैट इज कॉल्ड सुसाइडल, मतलब अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देना। कब, जिस टाइम पे कोई इंजरी होता है या जिस टाइम पे कोई इन्फेक्शन होगा, कोई डैमेज होगा सेल को, तो ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देगा, या फिर सेल जब ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे सेल होते हैं, हमारे जो सेल हैं अमर नहीं है, अमर तो सिर्फ कैंसरस सेल है, वनली कैंसर सेल आर अमर, सिर्फ वही अमर है, बाकी तो सब क्या है, सब मरते हैं, एक लाइफ स्पैन होता है उनका, एक लाइफ साइकिल होती है सेल की, एंड आफ्टर दैट लाइफ साइकिल उस टाइम के बाद उन्हें मरना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मान लो सेल बूढ़ा हो गया, वॉर्न आउट हो गया, अब कहेगा क्या, जब उसे मरना है तो वो लाइसोजोम को ऑर्डर देगा कि लाइसोजोम फट जाओ। अब लाइसोजोम फट जाएगा तो उसके जो एंजाइम है, जितने भी लाइसोजोम सेल के अंदर, सारे लाइसोजोम फट जाएंगे। कब, जब सेल ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड वॉर्न आउट सेल ऑर्डर टू द लाइसोजोम, लाइसोजोम को ऑर्डर देगा,
बस्ट होने के लिए, फटने के लिए, तो सारे लाइसोसोम फट जाएंगे और फिर लाइसोसोम में प्रेजेंट एंजाइम सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। इस तरह के प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहते हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। सेल भी अपना प्रोग्राम डेथ करता है ना, जैसे ह्यूमन करते हैं ना अपने प्रोग्राम सेल डेथ, मरना है मुझको, फांसी लगा लिया, अरे मर गए, प्रोग्राम डेथ तो था, कूद गए गंगा जी में मर गए। वैसे सेल भी करता है, जब वो ओल्ड हो जाता है, वॉर्न आउट हो जाता है, तो वो ऑर्डर देता है लाइसोसोम को और लाइसोसोम फट जाता है। जब फट जाएगा तो लाइसोसोम में, तो हमने आपको बताया ना, बहुत स्ट्रांग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। नाउ दे विल डाइजेस्ट द ऑल कॉन्टेंट ऑफ द सेल, सेल के हर एक कॉन्टेंट को, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। तो सेल के इस तरह के प्रोग्राम्ड डेथ को एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। बात करते हैं अभी, मैंने अभी ये कहा कि ये ऑटोफेजी वेसिकल्स की तरह एक्ट करता है, कैसे, चलो देख लेते हैं। जब कोई सेल ऑर्गेनेल डैमेज हो जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, सपोज दैट ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब कोई सेल ऑर्गेनेल डैमेज होगा, वॉर्न आउट होगा, ओल्ड वॉर्न आउट होगा, तो होगा क्या, लाइसोसोम तुरंत इसको इंगल्फ कर लेगा। जैसे ही जब कोई लाइसोसोम उस सेल को या उस सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करता है जो ओल्ड हो जाता है या डैमेज हो जाता है या इंफेक्शन इंफेक्टेड हो जाता है, तो अब मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, डैमेज हो गया या ओल्ड हो गया, सो क्या करेगा, लाइसोसोम फ्यूज विथ माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो ये फ्यूज कर गया, और जब फ्यूज कर जाएगा, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, और ये लाइसोसोम अब इसके साथ फ्यूज कर गया, लाइसोसोम क्या कर गया, फ्यूज कर गया, और जब लाइसोसोम फ्यूज कर जाएगा तो इसके एंजाइम तुरंत इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। लाइसोसोम फ्यूज कर गया किसके साथ, इसके साथ फ्यूज कर गया, और इसको क्या करेंगे, अब तो इसको डाइजेस्ट ही कर देंगे, अब तो इसको डाइजेस्ट कर देंगे। एंजाइम जो प्रेजेंट हैं इस लाइसोसोम में, ये तुरंत क्या करेंगे, अटैक करेंगे, इस पर अटैक करना शुरू करेंगे और डाइजेस्ट कर देंगे। लाइसोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो अब देखो, ये अपने सेल के ही कंटेंट को डाइजेस्ट कर रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, फैजी मतलब इंगल्फ करना, अपने ही सेल को या अपने ही सेल के सेल ऑर्गेनेल को इंगल्फ कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना, ऑटोफेजी कहलाता है। तो ऑटोफेजी के द्वारा जब कोई सेल ऑर्गेनेल डैमेज होगा या ओल्ड होगा या फिर सेल के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल को भी डाइजेस्ट करना, ऑटोफेजी कहलाता है। बिकॉज, तो यहां पर थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लेना, बिकॉज इट डाइजेस्ट इट डाइजेस्ट या सेक बिकॉज इट डाइजेस्ट द सेल ऑर्गेनेल, एंड स्टोर्ड फूड, ये क्या करता है, अपने ही सेल के सेल ऑर्गेनेल
और स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट कर देता है, इनगल्फ कर लेता है। तो अपने ही सेल के सेल ऑर्गेनेल को या अपने ही सेल के स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। इस प्रोसेस को हम ऑटोफेजी कहते हैं। तो ये ऑटोफेजी वेसिकल्स को, ऑटोफेजी वेसिकल्स की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट लाइक द ऑटोफेजी वेसिकल्स बिकॉज इट डाइजेस्ट इट्स सेल ऑर्गेनेल एंड स्टोर्ड फूड मटेरियल। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन भी है इसका, हमने कहा व्हेन अ सेल बिकम ओल्ड देन इट ऑर्डर टू द सेल सो दैट लाइसोसोम कुड बी बस्ट एंड लाइसोसोमल एंजाइम कुड डाइजेस्ट द सेल। ये क्या करेगा? अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देगा। और इस तरह के प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस कहेंगे जब सेल का प्रोग्राम्ड डेथ होगा। अगला और क्या फंक्शन है? और भी फंक्शन है। ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर रहता है या बाहर से जाता है, यही लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट करता है। तो इट एक्ट लाइक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। किसकी तरह? डिस्पोजल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। और क्या फंक्शन है? हमने कहा इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डाइजेस्ट इट्स ओन सेल एट द टाइम ऑफ एनी डैमेज और एनी इंजरी। क्योंकि ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है जब सेल को कोई इंजरी होती है या कोई डैमेज हो जाता है। और किस में हेल्प करता है? और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। किस में? सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और कहाँ हेल्प करेगा? और भी फंक्शन है। मेटामॉर्फोसिस, टेडपोल लार्वा का फ्रॉग में बदलना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो जब टेडपोल लार्वा फ्रॉग में बदलता है तो यही लाइसोसोम टेडपोल लार्वा के टेल और गिल को डाइजेस्ट करता है। तो ये भी एक फंक्शन है। इट डाइजेस्ट टेल एंड गिल ऑफ द टेडपोल लार्वा ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के समय टेडपोल लार्वा का गिल और उसके पूंछ को, उसके टेल को डाइजेस्ट कर देता है। और क्या फंक्शन है? और भी फंक्शन है। अगला फंक्शन ये है, अरे यही लाइसोसोम तो स्पर्म में एक्रोसोम बनाता है। ये देखो, हमने आपको कुछ ये बताया, यहां पर एक्रोसोम में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इसकी टेल है। ये जो एक्रोसोम है ना, दिस इज द जायंट लाइसोसोम, आप ये लाइसोसोम ही है। तो द लाइसोसोम प्रेजेंट इन एक्रोसोम, लाइसोसोम जो एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है, दैट हेल्प टू पेनिट्रेट द इनवेलप ऑफ एग। ये न्यूक्लियस है। अब यहां से जैसे ही ये एक्रोसोम इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, लाइसोसोम बस्ट हो जाएगा और यहां से जो एंजाइम निकलेंगी ये इसको डाइजेस्ट कर देंगी। और डाइजेस्ट करने के बाद ये इसका स्पर्म का जो हेड है वो अंदर चला जाएगा और टेल बाहर छूट जाएगी, बाहर ही रह जाएगी। तो ये अंदर चला गया, कौन? ये इसका स्पर्म का हेड अंदर चला गया। अच्छा, टेल के बारे में खास बात बताऊं, ये जो स्पर्म का टेल है ये स्पर्म को मूव करता है और इसका जो मूवमेंट होता है ना टेल का, सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे जैसे शक्तिमान नहीं नाचता सब 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 वैसा, ऐसा कुछ होता है, बड़ा अजीब मूवमेंट करता है, ऐसे सर्कुलर मूवमेंट करता है इस तरह। ठीक है, तो ये तो था फंक्शन लाइसोसोम का। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैक्यूल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।